नमस्कार, सीसीए न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बागेश्वर के दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ मैं रोहिणी जोशी। कांग्रेस पार्टी में टिकट वितरण के बाद पूर्व प्रत्याशी तथा प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने टिकट कटने को कुछ लोगों की साजिश करार दिया है। यहां पत्रकारों से वार्ता करते हुए प्रदेश महामंत्री बालकृष्ण ने कहा कि यदि उनके समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने कहा तो वह पार्टी से इस्तीफा देकर निर्दलीय रूप से चुनाव मैदान में उतरेंगे। पेश है सीसीए न्यूज की रिपोर्ट। देखिए, मैं आज काफ़ी दुखी हूँ। कांग्रेस पार्टी हमारी जन्मजात पार्टी थी। आज कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा अत्याचार किया है। मैंने 20-25 सालों से कांग्रेस की सेवा की है और 2017 में मैं यहाँ का विधायक प्रत्याशी था, मैंने चुनाव लड़ा था। उसके बाद लगातार मैंने जनता की सेवा की है। मैंने अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप नहीं देखे, अपने बीवी बच्चे नहीं देखे। मैं कोविड के मरीजों को कंधे में लाने का काम किया, लोगों की सेवा करने का काम किया, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। लेकिन कुछ नेताओं ने मेरे टिकट कटवाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी और मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। मैं आज अपना दर्द बयां करने के लिए सभी मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं कि कल मैं अपने जितने भी जिन कार्यकर्ताओं ने मेरा साथ दिया और उनके साथ मैं वार्ता करूंगा। बीमार अगर मेरे कार्यकर्ता कहें, मुझे सुबह से फ़ोन आ रहे हैं, सैकड़ों फ़ोन आ गए हैं कि भाई साहब आप निर्दलीय चुनाव लड़ें, तो कल मैं इनसे विचार विमर्श करके फिर इसका कल पार्टी से इस्तीफा, अपने जो कार्यकर्ता हैं इस्तीफा देंगे। उसके बाद मैं निर्दलीय अगर मेरे कार्यकर्ता कहते हैं, सभी कार्यकर्ता चाहे खरई मंडल के हो, चाहे बागेश्वर के हैं, चाहे गरुड़ के हो, तो जनता अगर मेरे से कहती है कि आप चुनाव लड़ें तो मैं चुनाव लड़ूंगा।